शुभम नाम है, मैं माननीय सपा की जो प्रोफेसर सुजीत सिंह, वो अभी बोले हैं कि मैं पीएचडी किया हूं और बेरोजगार हूं, तो मैं यहां उनको बता सकता हूं कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति कोई भी बेरोजगार नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे महाविद्यालय में पीएचडी विद्यार्थी खोजा जा सकता है और उनको नौकरी में। और मैं ये भी बता दूं कि उनकी उनकी खुद की दो महाविद्यालय है और वो स्वयं पूर्व वाला ब्लॉक विधायक रहे हैं, तो मैं उनको आरोप लगा कहूँ वो झूठ बोले। इनके दो महाविद्यालय हैं, दो विद्यालय हैं, और ये पीएचडी भी हैं, समाजवादी वाले और क्या है, और क्या क्या है बताओ यार। और पूरे ब्लॉक प्रमुख रहे इनके। अरे मैं ईडी वाला नहीं हूँ जो परेशान ना हो, आराम से बताऊंगा। मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हूँ, सबको जानता हूँ, और इनके पिताजी पूरे विधायक रह चुके हैं। और माननीय मैं आलोक भैया से कहना चाहता हूँ, मैं आलोक भैया से कहना चाह रहा हूँ कि अभी ने इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी अब शब्द बोलते हैं, तो मैं क्या कहूँ, जब उन्होंने अब शब्द बोला तो उस समय इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, और मैं क्या जो सपा में जाता है वो गुंडा हो जाता है और सपा के लोग हमेशा भ्रष्टाचार करके रखे हैं। नमस्ते, क्या नाम हो गया आपका साहब? अब्दुल कुद्दूस अंसारी। अब्दुल कुद्दूस अंसारी साहब, ये कहते हैं हमारी, क्या उम्र है तुम्हारी, उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 21 साल का है, और कहते हैं कि जो भी आपकी पार्टी में जाता है, रुको, जो भी आपकी पार्टी में जाता है वो क्या हो जाता है इनकी पार्टी में जाके? गुंडा हो जाता है। और हमारी पार्टी से जब ये वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे, के साथ गठबंधन में थे, तो उन्होंने अपने मंच से कहा था, योगी जी अगर सरकार बने नहीं बनी तो गोरखनाथ की मंदिर में कटोरा लेके भीख मांगने का काम करेंगे। भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए, उनको तो इतना शर्मानी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री को इस तरह की गंदी भाषा बोल सकता है और उसको पुनः दोबारा वोट देने की बात करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक पढ़ा लिखा इंसान कुर्सी पाने के लिए, सीट जीतने के लिए इतनी गंदी कौन सी पार्टी? स्वालदेव भारतीय समाज पार्टी का 5 साल जिला अध्यक्ष भी रहा। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़े आदमी है आप, अंदर आओ। जिला अध्यक्ष हैं? जी जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और टिकट नहीं मिला? नहीं, टिकट नहीं मिला है, ओम प्रकाश राजभर टिकट में बेच दिए। कौन? ओम प्रकाश राजभर टिकट बेच दिए, यही के टिकट बेच दिए। और आप कौन सी पार्टी के? हम स्वालदेव स्वाभिमान पार्टी के। अच्छा ठीक है जी, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने कहा ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं 18 साल मेहनत किया हूँ। ओम प्रकाश राजभर अभी भाजपा के नेता लोग कह रहे हैं, भाजपा के योगी बाबा को कहे ललका साड़, उजरका साड़, करीवा साड़, पानी में डूबा डूबा के मारने की बात किए, उनको भीख दे मंगवाने की बात किए ओम प्रकाश राजभर। और अभी जल ठाकुर ब्राह्मण दुष्य अधिकार केवल बिंद बड़ा धनकर बिहार धनकुटी पश्चिम वनवासी खटेक नाव धोबी हरकुमंसी लोध खंगार बुझवारा। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, और मैं बहुत संक्षेप में 40 सेकंड में सारी सवालों का जवाब देता हूं। भाई देखिए सुनिए, भाई बैठो, ये लाइट गिर जाएगी। जब 2014 में हम सत्ता में आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 12वें स्थान पर थी, और आज हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं, ये विश्व स्तरीय आंकड़ा है। दूसरी बात, हम विकास, गरीब कल्याण, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में केवल 7 एम्स थे, एम्स हॉस्पिटल आप लोग जानते होंगे, आज 22 एम्स हैं। 14 में 4 मेट्रो सिटी थी, आज देश में 20 मेट्रो सिटी है।
14 में 6048 किलोमीटर केवल एक्सप्रेसवे की लंबाई थी और आज 30,000 कुछ समथिंग जो है एक्सप्रेसवे की लंबाई है। 14 में MBBS की सीटें 51,000 थीं, आज 1,02,000 है। ये सब रिकॉर्ड तो आपके बीच में नहीं बोला था। आप वक्त छोटे से ब्रेक का, बाजी दबा तो कभी हुआ ही नहीं मैं।